बिहार जिले के डंडखोरा प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत सौरिया में अतिक्रमण पर चला प्रशासन का बुलडोजर। पिछले 3 वर्षों से लगातार अतिक्रमण कार्यों का प्रशासन द्वारा सरकारी भूमि खाली कराने का नोटिस दिया जा रहा था, लेकिन अतिक्रमण कार्यों द्वारा इसे नजरअंदाज किया जा रहा था, जिसको लेकर दंडाधिकारी, अंचल अधिकारी, थानाध्यक्ष, थाना की पुलिस बल तथा बड़ी संख्या में जिला की पुलिस बल उपस्थिति में अतिक्रमणकारियों के घरों पर बुलडोजर चलाकर पक्के मकान को गिरा दिया गया। बताते चले कि बीएमएस आईसीएल के मुख्य प्रबंधक द्वारा जिला पदाधिकारी से अनुरोध किया गया था कि डंडखोरा प्रखंड की सौरिया में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए भवन का निर्माण किया जाना है, जिसके लिए स्थानीय अंचलाधिकारी द्वारा सरकारी भूमि का आवंटन भी कर दिया गया था। आवंटित भूमि पर राजेंद्र पासवान, पिता माधव पासवान सहित अन्य द्वारा भूमि का अतिक्रमण कर पक्का मकान सहित टीन एवं घास फूस का घर निर्माण कर लिया था। प्रशासन द्वारा कई बार सरकारी भूमि को खाली कराने के लिए नोटिस भी दिया गया, लेकिन अतिक्रमणकारियों ने इसको नजरअंदाज कर दिया। तब जाकर प्रशासन द्वारा सरकारी भूमि अतिक्रमण मुक्त कराया गया। इस मौके पर अंचल पदाधिकारी उदय प्रसाद, थाना अध्यक्ष शैलेश कुमार सिंह, अंचल निरीक्षक मोहम्मद एहसान अली, एएसआई राजू कुमार सिंह सहित जिला के पुलिस बल की मौजूदगी में खाली कराया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, कटिहार। जी, आज अतिक्रमण मुक्त करवाया, क्या कहेंगे? क्या हमारा तो सब कुछ टूट गया। अब जो है हमारा जो है दिमागे कुछ नहीं काम कर रहा है। हम गरीब आदमी में बड़ा मुश्किल से बनाए थे, मजदूरी जो है भट्टा में मेरा दोनों लड़का एक काम करके मकान 4 कोठली बनाए, लेकिन लिल्टर जो है नहीं कर सके, न ढलैया कर सके। 2 साल पहले बनाए थे, पैसा कारण मेरे घर में जो 2 लड़की है शादी करने के लिए जो है पैसा नहीं जो कि हम शादी कर सकते। इसके लिए क्या विभाग के द्वारा नोटिस किया था आप लोग को? एक तो नोटिस जो है आया था। नोटिस में क्या लिखा हुआ था? 50 डिसमिल जो है जमीन, मतलब बीज वाला जो है गुहाली जो है खाली करने के लिए। हाँ, तो आप लोग खाली नहीं किए थे? हमारे पास साधन है न पैसा जो कि हम जो है इसको जो है जन मजदूर लगा के हटा सके। इसमें कुछ क्षति उत्ति भी हुआ क्या? कुछ क्षति मेरा पूरा सब कुछ जो है हो गया है। क्या नाम हुआ आपका? राजेंद्र पास। घर सौरिया। वार्ड संख्या 11 है। मेरा अथी है बिहार सरकार के जमीन में हम लोग नहीं रहते। मेरे पास कागज था मेरा ससुर का टाइम से ही। हम गरीब आदमी, हम जोत बुन के खाते थे अपना बच्चा को जीवन पर। हमारे पति विकलांग है, घर द्वार तोड़ के हमारा चला गया। ये बिहार सरकार जमीन घर इसके पास कागज था बनाए थे इसमें बिहार सरकार में कब कुछ जमा 5-10 साल पहले बनाए थे हम। पक्का घर कब बनाए थे? पक्का घर 2 साल पहले बनाए थे हम। तो इस आज अतिक्रमण मुक्त करवाया है। हाँ, पुलिस बल आए थे आज, तोड़ उड़ दिया घर सब। हाँ, घर उड़ सब तोड़ के चला गया। को आवेदन या नोटिस कुछ मिला था आप लोग को या सूचना दिया था? सूचना एक को दिया था, कुछ नहीं दिया था। ये पे एक को दिया, उसके बाद वो घर के भी आने के भी कहा करने दिया था मेरा। आप लोग आवेदन नहीं दिए? आप लोग आवेदन दिए हैं तो नहीं मिले थे? सीओ साहब से मिले हैं तो बोला कि आपका बाद में हक मिलेगा। हक मिलेगा तो ये हमारे पास 1 एकड़ का कागज है सर। क्या मांग करते हैं आप? हमारा हक चाहिए। जितना देश हम रसीद कटाते हैं जितना से हम रसीद कटाते हैं बनबस्ती के हमारा ससुर के नाम से उतना नाम से हमको दे। सीओ साहब क्या बोले हैं? सीओ साहब बोले हैं कि हाँ आपको हक दिया जाएगा। क्या नाम हुआ आपका? संजुक्ता देवी। घर कहाँ हुआ? सौरिया। के वरिष्ठ चिकित्सा विशेषज्ञ की टीम अब आपके शहर बेगूसराय में। अमर ज्योति हॉस्पिटल, जहां इमरजेंसी सुविधा, आईसीयू, एचडीयू, ओटी, डायलिसिस फैसिलिटी उपलब्ध है। हमारा पता है अनुष्का, ITI NH 31, सुशील नगर, बेगूसराय।